नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस आप तक न्यूज। हम है शिवलू। आज मैं हूं कुशीनगर क्षेत्र के पररौना में, और पररौना में आकर आप लोग को दिखाना चाहेंगे जो इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा मिलियन मिलियन व्यू चलता है और हमारे बैकग्राउंड में दिख रही होंगी। इनका नाम रिंकी कुशवाहा है और एक शब्द बोल देती है वो मिलियन चला जाता है। इसका राज क्या है मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा। आइए सबसे पहले इनसे बात करते हैं। बैठ जाइए, बैठ के बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम, और भैया चैनल में आप सब लोगों का सपोर्ट और प्यार की बहुत ही जरूरत है, जैसे मुझे करते हैं, क्योंकि मेरे एक आवाज में इतना दम है कि मैं जो भी कुछ भी बोलती हूँ वो वायरल जाता ही जाता है। इसका राज क्या है लोग जानना चाहते हैं। ये सब ऑडियंस का प्यार है और मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट है, जो कि मुझे सबसे पहले तो मेरी मम्मी और मेरे पापा का सपोर्ट और इतना प्यार है कि जो कि मैं अपने मुकाम तक पहुंचना चाहती हूं और पहुंच रही हूं। बैकग्राउंड में बैठे हैं लोग, इनके मम्मी पापा हैं लोग, बाकायदा आप लोग को दिख रहा होगा। अभी बात होगा मम्मी पापा से भी, लेकिन पहले ये बताइए कि आपका क्या सपना था कि जो इस लाइन में आई वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। मेरी सब सपना साकार होते हुए दिख रहा है, और सबसे मेन चीज ये, मैं जैसे पहले लोगों का रील देखती थी, मैं पढ़ ली इंटर के बाद मैं दूसरे किसी का रील देखती थी, तो मुझे भी इच्छा होता है, एक अपना होता है ना कि इच्छा कि मैं भी कुछ करूं, तो मैं देखती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो फिर मैं अपने मम्मी से बोली, तो मम्मी मतलब सलाह नहीं दी मुझे, तो फिर मैं अपने पापा से मतलब मैं डरते डरते बोली कि पापा हमको भी वीडियो बनाना है, तो पापा कहे कि नहीं और समाज में लोग क्या कहेंगे, तो हम कहें कोई नहीं, बस आप मेरे पे गर्व रखिए कि हम कुछ ना कुछ एक दिन करके दिखाएंगे। आज भी यही हम कहते हैं, और बाकी तो हमारे पापा से आप पूछ सकते हैं इनका रिएक्शन क्या है, कैसे क्या है, ये मेरे पापा बताएंगे। ये पहले अपने नहीं चाहते थे कि ये वीडियो बनाए और रील बनाए, मतलब समाज में लोग क्या क्या सोचेंगे, इस तरह से आप सोच रहे होंगे। इस तरह सोच रहे थे, तो अभी क्या रिएक्शन है? तो ठीक है, सबको बच्चे बनाए, उससे कोई खुश है, मतलब खुश है, खुश है। तो पहले ये तो आप सोच रहे थे कि नहीं बनाए, आज बना रही है तो कैसा लग रहा है? अरे दुनिया को देखकर थोड़ा भादा लग रहा था, लेकिन अब देख रहे हैं, देख रहे हैं। कहते हैं रिलेशन में आपके कुछ कहते हैं? अब कुछ नहीं कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि वीडियो बना रहे हैं, वायरल नहीं थे तब हम लोग कह रहे थे, वायरल है तो सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही हो गया। अभी फिलहाल इनकी आवाज के लोग कई लोग दीवाने हैं, जो बोल देती हैं वायरल चलने लगता है, तो इनसे लोग मिलने आते होंगे? तो मिलने आते हैं, अच्छा लगता है, कोई कुछ शुद्ध आदमी आते हैं, अच्छा बात करते हैं और बैठते हैं, पानी पीते हैं, अपने घर जाते हैं। पापा भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, पापा तो आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके मुकाम हासिल होते हुए दिख रहा है, जैसे आपके सपने भी पूरे होते हुए दिख रहे हैं। तो आप सबसे पहले गायकी में आना चाहती थी कि रील बना के वायरल होना चाहता? मुझे मतलब सिंगिंग तो अच्छा लगता है, जो लोग सिंगिंग करते हैं बहुत अच्छा लगता है देख के। फिर मैं सिंगिंग के लिए सोची, तो उतना तो मेरे पास टैलेंट है नहीं, तो मैं सोची क्यों नहीं अपने आवाज पे, अपने आवाज में कुछ किया जाए अलग सा। तो मैं फिर अपने आवाज में कुछ कुछ बोलने लगी, डालने लगी अपने इंस्टा पे, कुमारी रिंकी 8899। इस आईडी पे आप लोग जाके देखिएगा, मेरा मतलब वीडियो इतना अच्छा चलता है, सभी ऑडियंस का प्यार है, सपोर्ट है। तो और फेसबुक पे भी मुझे सिंगिंग उतना समझ में नहीं आता है, मैं झूठ क्यों बोलूं, लेकिन हाँ एक चीज बहुत समझ में आया कि मुझे रील बनाना चाहिए, सबको देख के इच्छाएं अपनी भी उत्पन्न होता है। तो जब मेरी इच्छाएं हुआ तो मैं मम्मी से बोली, फिर पापा से, तो पापा का रिएक्शन, शुरू में सबके पापा का रिएक्शन सेम होता है जैसे मेरे पापा का रिएक्शन था, तो फिर मम्मी जो भी समझाई हो पापा को तो पापा समझे, और उसके बाद से हम वीडियो बनाना स्टार्ट करें। आज लगभग 2 साल का दिन हुआ और हम वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक लोग मुझे सोचे नहीं होंगे, और आगे भी मुझे वहीं तक पहुंचना है, बहुत ऊंची। अभी आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, जैसे कि ऐसा मुकाम होना चाहिए? मैं कोई तो आइडिया नहीं आपका? नहीं, मैं एक चीज अपनी बता रही हूँ, मैं किसी के जैसे नहीं बनना चाहती हूँ, बस मेरा सपना एक है कि मैं सबसे अच्छे से रहूँ, सबसे व्यवहार से रहूँ, और मैं वो मंजिल हासिल करूँ जो किसी ने सपना देखा होगा, किसी ने देखा ना हो या वहाँ तक पहुँचा ना हो। अभी मम्मी से मैं बात करके फिर आपके पास आता हूँ। तो मम्मी सबसे पहले आपके चैनल में स्वागत है, और लोग क्या कहते हैं गाँव में जब आप जाते होंगे की आपकी बिटिया रील बनाती है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, कुछ नहीं दिक्कत होता है, लोग कुछ कह रहे हैं क्यों, कोई तो अपना घर रही, हमार बिटिया हमारा। कब से रील बनाते हैं? ये 2 साल भाई रील बनाओ, तो लोग ही नहीं कहते हैं कि शादी ब्याह के लिए थोड़ा सा गजन हुई, गजन नहीं तो लोग करी कि हम करो, पैसा खाते दुनिया मरता, हाँ पैसा कमाई तो पैसा दुनिया पे आ रहा बा। तो अभी तो इंस्टाग्राम से लगभग हर जगह से पैसा इनको आ रहा है, यूट्यूब से तो
कैसा लग रहा है? जब शुरू शुरू में पैसा आया था तो कैसा लगा था? अच्छा लगा था, माने कि ये सपना पूरा हो गया कि चलो भाई हम रोक रहे थे तो आज कर रही है लड़की, तो बहुत अच्छा है। मतलब कर? और भी दूसरे किसी की लड़की जब वीडियो बनाना चाहती होंगी तो आप उसको क्या सलाह देंगे? अच्छा सलाह देंगे, कहेंगे जेकरा जो आज दिल में कर रही हां के दुनिया बोलना चाहता तो उतना पैर पड़ के बोलता, ओकर बाप माई पैसा लगा दो तबे न बोलता। देखिए अभी आप सुन पाए होंगे मम्मी का भी रिएक्शन सही है, जैसे सपोर्ट करना चाहिए, जब सपोर्ट करेंगे तभी कोई आगे बढ़ पाएगा। जब तक जिसके मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करेंगे और मम्मी पापा का आशीर्वाद साथ नहीं रहेगा तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आपको डर कुछ नहीं लगता होगा कि जब मम्मी मुझे पापा रियल बताओ ना, मुझे 1% किसी भी व्यक्ति से डर नहीं लगता, इसलिए ना मुझे लगता है कि मेरी मम्मी और मेरे पापा और मैं जीवन में सबसे ज्यादा प्यार जानते किसे करते हैं? एक मेरे भाई है दो, और ये मेरे पापा है, उसके बाद मम्मी से प्यार करते हैं। सब लड़की अपनी मम्मी से प्यार करती है ना, लेकिन हम अपने पापा से ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत हद से ज्यादा, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो अभी गायकी में आप किसको पसंद करते हैं? हम नीलकमल सर को बहुत पसंद करते हैं, सिंगिंग उनका जो भी रहता है टॉप नंबर वन पे आता है। ऐसे तो सब सिंगर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन नीलकमल सिंह जी का सॉन्ग जो भी आता है परफेक्ट रहता है। अभी मैं पापा से फिर बात करना चाहूंगा कि आपकी जो लड़की है जो रिंकी कुमारी है वो आपसे प्यार इतना करती है कि जब ये कहते हुए भी उनके आंखों में आंसू आ गया है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सभी बच्चियों से ज्यादा ये प्यार आपसे करती है? हाँ हाँ, प्यार तो करती है, बच्ची तो सब करती है, लेकिन जिसको आप जिस तरह मानेंगे वो जरूर मानेगी। आपको बच्ची हो या बच्चा हो, जिस तरह आप पेश आइएगा उस तरह वो आएगा। ठीक है, इसलिए बच्चों से भी पेश अच्छे से आया जाए, जिससे क्या इच्छाएं हैं बच्चों को ये जानने की कोशिश किया जाए। जैसे इन्होंने जाना और फिर इनको वो रास्ते पर चलने दिया विश्वास करके, तभी आज ये सपने पूरा कर रही हैं सबके माँ बाप सबको। और आगे क्या विचार है? कि मेरा विचार बस एक ही है कि मैं अपनी लाइफ में चाहे जो भी करूँ, बस अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद और प्यार की जरूरत है, और जहाँ मुझे ये लोग भेजते हैं वहीं मैं जाती हूँ। और मैं दो पैसे की आज काबिल हूँ, ये मेरी मम्मी पापा की देन है कि इन्होंने जो मुझे आज बना रहा है, आगे तक भी बनाएंगे, इन्हीं लोग का आशीर्वाद है। और मुझे सबसे बड़ा खुशी होता है ना कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। जिसके पापा नहीं रहते उससे पूछिएगा उसके पापा का दर्द क्या होता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होता है कि मेरे पापा हैं। कुछ नहीं, एक समय हुआ करता था भैया कि लोग हम लोग को देखना नहीं पसंद करते थे, आज का समय है कि लोग हमारे दरवाजे पे आते हैं मिलने, और बहुत खुशी मिलता है। जब कोई भी किसी को भी मिलना होगा आप भैया कॉन्टेक्ट से मेरे से मिलने आ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगा, और आप लोगों को भी मिलके खुशी होगा, ये शायद भैया से आप लोग पूछ लीजिएगा। बिल्कुल, इनके इंस्टाग्राम पे आप लोग जाके पहले देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी रील बनाती हैं और समाज से हटकर अलग तरीके से बनाती हैं। ये किसी को देखकर कोई कॉपी नहीं करती हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये किसी बीच में आपके इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे वीडियो अपलोड हो रहे हैं जैसे लग रहा है विवादित हैं, किसी से झगड़ा कुछ ऐसे, क्या है? हाँ, एक है मेरे ही करीबी लोग हुआ करते थे, मतलब मैं नाम नहीं रखूंगी, उनसे मेरा थोड़ी बहस चल रहा है। जैसे भैया आप बताइए, मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपने मम्मी पापा से पूछ के जाती हूँ, मम्मी पापा मेरे पैसे लगा रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, मैं अपने दो पैसे कमाती हूँ तो 2 रुपए अपने मम्मी को लाके देती हूँ, मम्मी नहीं रखती हैं, झूठ क्यों मैं बोलूं? मम्मी कहती है तू रख ले रहा तोहरा काम दी, मम्मी का यही एक शब्द है। तो मैं अपने पैसे अपने पास रखती हूँ, कहीं जाना आना या घर में जो भी जरूरतें के सामान है मैं ला देती हूँ। हाँ, लेकिन एक ही व्यक्ति है जिससे मेरी थोड़ी विवाद चल रहा है, वो भी ज्यादा बात नहीं है भैया, टॉपिक यही है कि आप लड़कों सबों के साथ वीडियो बनाती हैं, क्या लड़कों सबों के साथ वीडियो बनाना गलत होता है? जब तक मेरी नजर गंदी नहीं होगी ना तो लड़के गंदे नहीं होते हैं, सब लोग भाई बहन के सम्मान होते हैं। जब हमारी नीयत सही है तो सब चीज सही है, नीयत गलत हो जाएगा वहां से सारे रास्ते गलत हो जाएंगे। तो यही बस एक ही टॉपिक था, तो इसी टॉपिक पे अभी बहस चल रहा है, और जब तक बहस वो लोग करेंगे तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। वो लोग वीडियो ये देख रहे हैं तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से वीडियो देख रहे हैं तो यही कहना चाहूंगी, सुधर जाओ, वरना हम सुधारने के लायक नहीं छोड़ेंगे। कि तो सुधार ही जाओगे तो बिगड़ ही जाओगे, दूसरे के बारे में बुराई कभी नहीं करोगे। मैं ये कह रही हूँ मेरे में कोई गलती हो तो आप लोग स्पष्ट मेरे मुंह पे बोलो ताकि मैं समझूंगी। मुलाकात हो तो उससे बातें बोलो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जिस दिन मुलाकात होगी वही समझेगा कि उस पे क्या बीतेगा, ये भी चीज है। देख पा रहे होंगे वीडियो में आप लोग को, बाकायदा सभी बातें चीत हुई। अभी जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे कि और लोगों से?
जो देख रहे हैं तो उसमें क्या कहना चाहेंगे, हम यही चाहेंगे और भी ज्यादा आगे बढ़ाएं, हाँ आगे बढ़ाएं अपने बच्चे और बच्ची को, इसलिए कि सब लोग देखिए किसी का कोई बैठा कर किसी लड़का या लड़की को रख नहीं सकता है अपने घर में, जिसका दिल में जो रहता है वही करता है, उसका नजर में बुरा रहेगा दिल में तो बुरा ही करेगा, अच्छा उसका अंदर रहेगा तो अच्छा ही करेगा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहली अच्छी नजर और अच्छी सोच तो हमारे पापा की है, जो दुनिया के बारे में नहीं सोचते हैं, बस अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ हमारी बेटी जो कर रही है अच्छा करेगी और मेरे पे कभी उंगली नहीं उठने देगी, और मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि कभी मेरे पापा कोई कुछ कह नहीं, बरकरार बनाए रखेंगे। बिल्कुल, आज तक मैं इतनी साल तक विश्वास बरकरार रहा है तो आगे भी रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए विश्वास खत्म नहीं होने देंगे, जहाँ मम्मी पापा चाहेंगे वहीं शादी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे मम्मी और पापा का मतलब अभी तो नहीं होगा, मैं वही धर्म है जिस बिरादरी में है उसी बिरादरी में करेंगे, घर कितना अमीर है वहाँ नहीं कर सकते, हमारा वो नियम है। चलिए उस पे ये बरकरार साबित करेंगी और खड़ी रहेंगी आपके उम्मीद, हम अपने जुबान पे खड़े उतरेंगे, कभी भी खड़े उतरेंगे हम हमेशा के लिए, क्योंकि आज तक जीवन में जो कुछ मिला है मुझे मेरे मम्मी पापा के वजह से मिला है और आगे भी मिल रहा है। और ये जो देखने वाले ऑडियंस हैं, इन लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना अपना प्यार दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा रिंकी जी कुशीनगर, और एक बार भैया के माध्यम से सभी लोग को नमस्ते प्रणाम जी, जाते जाते मेरा भी नमस्कार, वीडियो को कर दीजिएगा शेयर।